कदर के तारा सिंह ने कैटरीना कैफ पर मारा टॉन्ट। क्या इंडस्ट्री की बारबी डॉल से खफा है सनी देओल? क्या कैटरीना ने सनी देओल के साथ काम करने से किया था इनकार? इन दिनों गदर के तारा सिंह उर्फ सनी देओल अपनी फिल्म गदर 2 की सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन कर तबाही जो मचा रखी है और सिर्फ 7 दिनों में गदर 300 करोड़ के करीब पहुंच गई है। इसी बीच देओल फैमिली ने अपने 2 मूवी की तैयारी शुरू कर दी है। अपने 2 में धर्मेंद्र सनी देओल, बॉबी देओल के अलावा करण देओल भी होंगे। इस फिल्म की चर्चा पिछले 1 साल से हो रही है। इसी बीच सनी देओल ने फिल्म से जुड़े कई खुलासे किए हैं और कैटरीना कैफ को ताना मारा है। उन्होंने बताया कि फिलहाल फिल्म और उसके स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है और जल्द ही वो अपने के सीक्वल के साथ आएंगे। इस बार फिल्म में फैमिली वैल्यूज पर और भी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। इसी बातचीत के दौरान सनी पाजी ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे हंगामा मच गया। सनी ने एक इंटरव्यू में कहा है, मेरी कुछ एक्ट्रेसेस थी जो माँ का रोल नहीं करना चाहती थी, वो डर रही थी, लेकिन अब करेंगी शायद। बस इसी स्टेटमेंट के बाद बवाल मच गया, जिसके बाद ये अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि ये सनी पाजी का ये टॉन्ट और किसी के लिए नहीं बल्कि इंडस्ट्री की बारबी डॉल कैटरीना कैफ के लिए था। दरअसल अंदाजा लगाया जा रहा है कि कैटरीना कैफ ने सनी पाजी की फिल्म में काम करने से रिजेक्ट कर दिया था। इसका कारण ये था कि फिल्म में कैटरीना को फिल्म में माँ का रोल निभाना था। बस माँ का किरदार निभाने की वजह से ही कैटरीना ने ये किरदार निभाने से मना कर दिया था। असल में उस वक्त कैटरीना के करियर की शुरुआत थी और वो ऐसे रोल कर अपने करियर के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। बस इस बात से ही सनी के टॉन्ट को जोड़ा जा रहा है, जिसे देखकर ये अंदाजा लगाना भी गलत नहीं होगा कि क्या अभी भी सनी देओल बारबी डॉल से खफा है। आपको बता दें, साल 2007 में आई फिल्म अपने में कैटरीना ने काम किया था। फिल्म में वो बॉबी देओल के ऑपोजिट थी। अब अपने 2 में कैटरीना काम करेंगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। वहीं बता दें कि इस वक्त सनी पाजी की खुशी का ठिकाना नहीं है, या ये कह लीजिए कि सनी देओल के साथ साथ फिल्म के पूरे टीम की खुशी इस वक्त 7वें आसमान पर है। सनी पाजी की फिल्म ने 7 दिनों के अंदर कई रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। फिल्म ने पहले ही हफ्ते में 283 करोड़ का कलेक्शन कर कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जिसे देखकर तो यही लगता है कि फिल्म 300 करोड़ के क्लब में पहुंचने से बस चंद कदम ही दूर है। साथ ही बता दें, गदर 2 फिल्म पठान को पीछे छोड़ इस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है, जो सनी पाजी और अमीषा के करियर को भी रिवाइव करते हुए भी नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।